ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज की अव्यक्त मुरली है जो बाबा ने 23 अक्टूबर 1975 को सुनाई। आज की मुरली का विषय है इंतजार को छोड़कर इंतजाम करो। अब इंतजार नहीं करो, अब बस इंतजाम करो। विश्व की तकदीर को ऊंचा बनाने वाले मायावी सृष्टि का महाविनाश कर देवी सृष्टि की स्थापना करने वाले रचयिता शिव बाबा नव निर्माण के इंतजाम में एकजुट हो जाने का आह्वान करते हुए बोले, आज बाप दादा विश्व की तकदीर बनाने वाले तकदीरवान बच्चों को देख रहे हैं। किस किस आत्मा में कौन कौन सी तकदीर की लकीरें दिखाई देती हैं और कौन कौन सी अब स्पष्ट होने वाली हैं। हर एक तकदीर की लकीर अपनी अपनी दिखाई दे रही है। सबकी तकदीर की लाइन, तकदीर की रेखाओं में मुख्य चार सब्जेक्ट की चार रेखाएं दिखाई देती हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनको चारों ही रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हो। चार शीश में देखना पड़ेगा, मेरे तो दो दिखाई दे रही है, तीन दिखाई दे रही है। चलो, जिनकी चारों की चारों ही रेखाएं स्पष्ट हैं, अर्थात चारों ही सब्जेक्ट में तदबीर पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो चारों ही सब्जेक्ट में तदबीर द्वारा अपनी ऊंची तकदीर, मैंने वैसे हाँ जी आपने तो अपनी गिनवा दी, मैंने तो देख लिया अपने शीशे में, बाकी मेरे को मोटी मोटी देगा देर थी, उनको तीन दिखाई देगी, वो एक अलग बात है। ठीक है ना, पहले माथे को थोड़ा सा ऊपर चढ़ाना पड़ेगा ना, ऐसे करना पड़ता है ऐसे। हाँ वाट पड़ता है, हाँ त्योरी चला दो। खैर, बाबा हमारे जो सब्जेक्ट है ना चारों, उनकी बात करते हैं, द्वारा अपनी ऊंची तकदीर बनाई है। इस प्रमाण पास विद ऑनर्स और फर्स्ट क्लास अर्थात फर्स्ट डिवीजन में ऐसे तकदीरवान हो जाएंगे ही आएंगे। जो चारों सब्जेक्टों में फर्स्ट आएंगे वही आएंगे, जिन्हों की चारों ही तकदीर की लकीरें स्पष्ट हैं, चारों लकीरें। अच्छा, इसी का यादगार में वो मेरे को लगता है जो पंडित लोग हैं ना, यहाँ पे ताला नहीं बनाता, कोई चार बनाता है, कोई तीन बनाता है। हाँ, कोई तो सोचता है क्या लाइनों की गिनती करते हो, सारे बात पर लेप दो, सिर दर्द दिक्कत हो। जिन्हों की चारों ही तकदीर की लकीरें स्पष्ट हैं, पास विद ऑनर्स की तकदीर की लकीरें चारों ही और एक समान चमकती हुई स्पष्ट दिखाई देती हैं। जो हैं अष्ट रत्न, जो हैं दूसरे नंबर में फर्स्ट डिवीजन वाले 100 रत्न, जिनकी चारों ही लकीरें दिखाई देती हैं लेकिन समान स्पष्ट रूप नहीं है। 100 की 8 की चारों लकीरें समान स्पष्ट दिखाई देंगी, परंतु 100 की कहीं कहीं गड़बड़ होगी, और कोई ज्यादा तेज तो कोई कम। सेकंड डिवीजन वाले 16,000, उन 16,000 में से पहले 2-3,000 की रेखाओं में चार सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट 50% पास से होते हैं और 1 सब्जेक्ट 25 का में पास होते हैं, ना के बराबर। ऐसे सर्व तकदीरवानों की तकदीर देखी, लाइन समझ में आई है? मतलब 16,000 में भी
सबकी नंबर है। तो 16,000 का ये रिजल्ट दे रहे बाबा, तो बाकियों का क्या हाल है? ये ना बच्चों को देख के बता दिया, बाकी इतना हल्का रिजल्ट नहीं होता। इस तरह बच्चों की हिम्मत बढ़ाने के लिए, हाँ 75 की बात है ये, तो उस टाइम पर बच्चों को नए नए बच्चे हैं और तो हल्का कहाँ है? इससे हल्का 16,000 तो पहले पहली रचना है भैया, क्या बात तो, करो। हाँ तो पहली रचना है तो नंबर तो उनके भी कम बता रहे बाबा। मैं वही तो बता रहा हूँ और वही तो कह रहा हूँ कि 50% बताना माना कुछ हिम्मत करके आगे तो बढ़े। थप थप आ रहा है, कोई बात नहीं, बढ़ जाओ बढ़ जाओ, कोई बात नहीं, बढ़ो तो सही, बढ़ जाएगा बच्चे, बढ़ जाएगा। वरना पहले 16,000 वाले तो टॉप पे चाहिए भाई, थे ही नहीं पहले बच्चे, अर्थात ना के बराबर। वैसे सर्व तकदीर वालों की तकदीर देखी, आज बाप दादा चारों तरफ के ब्राह्मण बच्चों की जन्म पत्री देख रहे थे। जन्म पत्री देखते वर्तमान समय मेजोरिटी के अंदर एक विशेष संकल्प चलता हुआ देखा, वो क्या? विश्व की आधार मूर्त आत्माएं भी कोई आधार पर खड़ी हुई है, आधार मूर्त आत्मा और खुद किसी आधार पर खड़ी हुई है। वे आधार क्या है? दुनिया के विनाशकारी साधनों को देखते हैं, वह प्रकृति की हालचल को, हलचल कब होती है, कहाँ होती है या नहीं होती है, इस आधार पर आधार मूर्त के खड़े को खड़े हुए देखा। हलचल हुई तो और हलचल नॉर्मल होगी तो चलो थोड़ी देर मौज कर लेते हैं, कोरोना आया था तो सारे लग गए थे, सारे सुधर गए थे और अब सारे फिर दोबारा बिगड़ गए। ऐसे आधार पर ठहरने वाले बच्चों से बाप दादा का प्रश्न है कि स्थापना करने वाले विनाश के आधार पर रहेंगे तो स्थापना करने वालों का भविष्य क्या होगा? विनाश ज्वाला प्रज्वलित करने के आधार मूर्त कौन? प्रकृति का परिवर्तन करने वाले कौन? प्रकृति व विनाश के साधनों के आधार पर खड़े हुए पुरुषों से उत्तम पुरुष हो सकते हैं। जो उत्तम होंगे वही कर सकेंगे, जो इनके आधार पर खड़े होंगे वो कैसे करेंगे? अथवा पुरुषोत्तम के आर्डर पर अर्थात श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर सर्व आधार मूर्तों के संपूर्ण बनने के आधार पर विनाशकारी साधन व प्रकृति अपना कार्य करेगी। प्रकृति तो आपके ऑर्डर पर करेगी, ऑर्डर देने वाले कौन, अधिकारी कौन, प्रकृति या पुरुष उत्तम? उत्तम पुरुष ऑर्डर देंगे या प्रकृति ऑर्डर देगी? आधार मुहूर्त का किस आधार पर रहना? आधार मुहूर्त का किसी आधार पर रहना उनको अधिकारी कहेंगे, वो तो अधीन हो गया। तो क्या देखा? इंतजाम करने वाले इंतजार में हैं, इंतजाम करने वाले में करने में अलबेलापन और इंतजार करने में अलर्ट हैं। इंतजार करने में हमेशा अलर्ट है, वैसे अलबेलापन है। इसको देखते हुए बाप दादा को हंसी भी आई और क्या आया, हंसी भी आई और रहम भी आया, गुस्सा नहीं आता बाबा को। क्यों? माया की चतुराई को अब तक बच्चे परख नहीं सके हैं, इंतजार की मीठी नींद में माया सुला रही है, सो रहे हैं ठीक है अभी तो वेट कर लो, कछुए की तरह, कछुए की तरह खरगोश की तरह मीठी नींद में माया सुला रही है। और बच्चे आधा कल्प के लिए सोने के संस्कार वश होकर कोई तो सेकंड का झुटका खाते हैं और फिर होश में आ जाते हैं और फिर इंतजाम करने के जोश में आ जाते हैं
और कोई तो कुछ मिनटों के लिए चले जाते हैं, सो जाते हैं और फिर जोश और होश में आते हैं। तीसरे प्रकार के बच्चे वो क्या करते हैं, वो काफी आराम से सोते सोते बीच में आंख खोलकर देखते हैं घड़ी पर। बीच बीच में आंख खोलकर देखते रहते हैं कि अभी कुछ हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, जब होगा तब देखा जाएगा। कितने अच्छे बच्चे हैं जी। ये दृश्य देख क्या हंसी नहीं आएगी। तीसरा, नेत्र मिलते हुए भी माया को परख नहीं सकते, इसलिए माया को अच्छी तरह से परखने के लिए परख शक्ति को विशेष रूप से अपने में धारण करो। दो मास, चार मास हैं, ये समय की गिनती नहीं करो, लेकिन स्वयं को समर्थ बनाओ। होगा या नहीं होगा, क्या होगा, कब होगा, इन सब संकल्पों की बजाय पुरुषोत्तम स्थिति में, उत्तम आत्मा की स्थिति में स्थित हो। संगठन को संपूर्ण बनाने के संकल्प के आधार से प्रकृति को ऑर्डर देने के अधिकारी बनो। होना तो चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या होगा। शायद हो, दो चार मास में तो कुछ दिखाई नहीं देता। संगम युग 40 वर्ष का है, 50 वर्ष का है। इसी प्रकार के संकल्प भी संपूर्ण निश्चय के आगे बाप के व स्वयं के स्थापना के कार्य में विघ्न डालने वाला अति सूक्ष्म रूप का रॉयल संशय है। जब तक ये संशय है, तब तक संपूर्ण विजयी नहीं बन सकते। तब तक संपूर्ण विजयी नहीं बन सकते। गायन ही है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो विजयंती आत्मा को संशय के रॉयल रूप का संकल्प हो नहीं सकता, संकल्प हो नहीं सकता। अपो संपूर्ण निश्चय बुद्धि अपने विश्व परिवर्तन के कार्य में दिन रात बिजी रहेंगे, दिन रात बिजी रहेंगे। जैसे कोई विशेष कार्य की जिम्मेवारी होती है तो दिन रात इंतजाम में लग जाते हैं, ना कि इंतजार करते हैं कि जब टाइम होगा तब स्टेज सजाएंगे व साधनों को अपनाएंगे। समय के पहले इंतजाम किया जाता है तो विश्व के परिवर्तन की जिम्मेवारी, ये भी परिवर्तन समारोह अभी मनाने का है, अभी मनाने का है। सर्वात्माओं को अपने अपने अनुसार सतो प्रधान बनाने का व बाप का परिचय देने का, विशाल विश्व का सम्मेलन करना है। इसके लिए पहले से ही आपको अपनी स्थिति की स्टेज बनाने का इंतजाम करना है। या उस समय करोगे, जैसे स्थूल स्टेज के बिना भाषण करना व संदेश देना नहीं हो सकता, वैसे अंतिम समय पर स्वयं के संपूर्ण स्थिति की स्टेज बिना विशाल विश्व सम्मेलन में संदेश कैसे दे सकेंगे, अर्थात बाप को प्रसिद्ध व प्रख्यात कैसे कर सकेंगे। तो स्टेज को पहले से तैयार करेंगे अथवा उस समय करेंगे। इसलिए इंतजार को छोड़ इंतजाम में लग जाओ। ये संकल्प भी व्यर्थ संकल्प है, इस व्यर्थ को भी समर्थ में परिवर्तन करो। अधिकारी बनो, प्रकृति को
ऑर्डर करने के समर्थ स्टेज को बनाओ। संगठित रूप से सर्व ब्राह्मणों के अंदर रहम की भावना, विश्व कल्याण की भावना, सर्व आत्माओं को दुखों से छुड़ाने की शुभ भावना, शुभ कामनाएं जब तक दिल से उत्पन्न नहीं होंगी, तब विश्व परिवर्तन तब तक रुका हुआ है, अभी हलचल में है। हो एक ही संकल्प में अचल और अटल नहीं हो। अंगद समान अडोल बनना अर्थात अंतिम घड़ी लाना, तो संगठित रूप से ऐसे एक संकल्प को अपनाओ अर्थात दृढ़ संकल्प की इकट्ठी उंगली सभी दो, तो यह कलयुगी पर्वत परिवर्तन करके गोल्डन वर्ल्ड को ला सके। समझा क्या इंतजाम करना है? अच्छा, अंत में बाप दादा ने एक संकल्प में अंगद समान अचल रहने वाले की ये सब हुआ ही पड़ा है, ऐसे संपूर्ण निश्चय बुद्धि हर संकल्प बोल और कर्म में सदा विजयी ऐसे अधिकारी बच्चों को याद प्यार दिया और नमस्ते की। दीदी जी के साथ संगठन का बल अर्थात एक ही संकल्प। रूहानी यात्रा जो डबल यात्रा करने आते हैं, एक मधुबन की यात्रा, दूसरी विशेष मधुबन में रूहानी यात्रा, तो डबल यात्रा करने वाले हैं ना। एक तो हम मधुबन में गए, एक मधुबन में जाके हमने रूहानी यात्रा की, अपने चरित्र को सुधारा। डबल यात्रा करने वाले यात्री जो भी आते हैं वो आराम से अपनी यात्रा सफल करके जाते हैं, सब संतुष्ट रहते हैं। गाया जाता है कि यदि दिल बड़ा है तो जगह भी बड़ी है। स्थूल जगह भले ही कम हो लेकिन आने वालों की, स्वागत करने वालों की और सेट करने वालों की दिल बड़ी है तो जगह की कमी महसूस नहीं होगी। फिर 63 जन्मों की हुई यात्राओं से तो सब सेल्वेशन संगम युग पर यात्रा पर, संगम युग की यात्रा पर ज्यादा मिलती है सुविधाएं, संगम युग की ज्यादा मिलती है। वो जड़ चित्रों की यात्रा है, गए उधर मूर्ति को देख के, उधर मंदिर देखा है, उधर मंदिर दर्शन कराया, उधर मंदिर दर्शन कराया, कितनी मुश्किल होती है, कितनी मुश्किल होती है। और यहाँ बड़े आराम से आओ और बैठो, बस आप लोग भी तो ये देख रेख करती हो कि हमारा संगठन एक संकल्प वाला कहाँ तक बना है। शास्त्रों में गायन है कि ब्रह्मा को संकल्प उठा कि सृष्टि रचे, तो सृष्टि रची गई। यहाँ अकेला अकेले ब्रह्मा की तो बात नहीं है, लेकिन ब्रह्मा सहित सब ब्राह्मणों का भी जब एक साथ ये संकल्प उठे कि हम सब एवर रेडी हैं और नई दुनिया की स्थापना होनी ही चाहिए या होगी ही, ऐसा दृढ़ संकल्प जब ब्राह्मणों के अंदर उत्पन्न हो तब ही सृष्टि का परिवर्तन हो अर्थात नई सृष्टि की रचना प्रैक्टिकल में दिखाई दे। इसमें भी संगठन का बल चाहिए, एक दो का या सिर्फ 8 का नहीं, लेकिन सारे संगठन का एक संकल्प चाहिए। संकल्प से सृष्टि रचना, इसका रहस्य इस प्रकार से है, संकल्प उत्पन्न होगा और सेकंड में समाप्ति का नगाड़ा बजना शुरू हो जाएगा। एक तरफ समाप्ति का नगाड़ा, दूसरी तरफ नई दुनिया का नजारा साथ साथ दिखाई देगा। वहां ही विनाश की अति होगी, वहां ही जलमय के बीच चारों ओर विनाश में एक हिस्सा धरती और 3 हिस्सा
जलमय होगी। तीन हिस्सा क्या होगी? जलमय होगी ना। ये जो सभी पीछे पीछे अनेक धर्मों के कारण अनेक देश बने हैं, वे अनेक धर्म जब समाप्त होंगे तब अनेक देश भी एक सार गाह शेर गाह के रूप में जल के बीच एक टापू के माफिक हो जाएंगे। इंडिया तो यही तो कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं, हम को अलग थोड़ा कह रहे हैं, वही तो बाबा कह रहे हैं। सारे खंड मिलकर एक खंड बन जाएंगे। अब सारे खंड मिलकर एक खंड ऐसे थोड़ा बन जाएंगे, यहां से उठा के इधर खड़ा कर देंगे। इसमें पूरा एक साल लगेगा। अब बाबा बच्चों को वहां कैसे समझाने के लिए बैठे कि कैसे कैसे आग लगेगी, कैसे कैसे क्या होगा, वो तो बाल की खाल निकालने बैठ जाएंगे। और भोले बच्चे बैठे थे इतने पर आंटी के वो कहने का कि जो जैसे विदेश अमेरिका चाइना ये होंगे तो सही वहां पर, जैसे बाबा कहते हैं ये सैरगाह के रूप में होंगे, ये भी ये तो ना कि ये पानी में रहे, तब इनको रूस थोड़ा कहेंगे। लेकिन लेकिन उनको वो नहीं कहेंगे, मतलब सारे खंड। देखो धरती जो है ना, जितनी धरती है अब तीन हिस्सा, आज भी आज की डेट में भी तीन हिस्सा पानी है, एक हिस्सा धरती है, और तब भी तीन हिस्सा पानी होगा, एक हिस्सा धरती होगी। ठीक है, जब एक हिस्सा धरती होगी तो जो सारे खंड हैं वो सारे मिल जाएंगे ना। अब वो ऐसे कोई पकड़ के तो मिला नहीं देगा, एक सेकंड का खेल तो है नहीं कि उनको मिला देंगे। अब उसको मिलाने में ही एक साल का टाइम जो लगना है, सेट होने में जो टाइम लगना है वो लगना है। अब एक साल में देखो ना कि सारी धरती जले, सारे तत्व पिघले, प्योर हो जाए सब कुछ, और फिर सेट हो, और फिर धरती तैयार हो, और फिर आत्माएं आए। अब एक साल का समय एक ही मुरली में बता दिया बाबा ने, बाकी किसी मुरली में नहीं कहा। अब वो मुरली भी इवनिंग क्लास है, और इवनिंग क्लास भी 13 दिन पहले की है बाबा ने शरीर छोड़ने से पहले, बाकी किसी मुरली में जिक्र नहीं है। अब वो ऐसे ही पढ़ के चल देते हैं तो उनको ध्यान नहीं जाता, जबकि वो मुरली हर 2-3 साल बाद रिपीट हो जाती है। वो मुरली रिपीट हो रही है, हाँ हाँ, नगाड़े होंगे। दूसरी तरफ फर्स्ट प्रिंस, इस लाइन को ध्यान से समझना, ये लाइन जो है ना पकड़ के वो रिपीट करते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। श्री कृष्ण के जन्म का आवाज बुलंद होगा, जन्म तो होगा पर आवाज बुलंद होगा। श्री कृष्ण के जन्म का आवाज बुलंद होगा, वो पत्ते पर नहीं आएगा। दिखाते हैं ना, जलमई के बाद पत्ते पर श्री कृष्ण आया। तीन हिस्से जलमई में होने के कारण भारत जब परिस्थान बनता है तो उसको जलमई दिखा दिया है, उन्होंने दिखा दिया, हो गया ना। अब यहां तो जन्म प्रत्यक्ष होना है, आवाज बुलंद होगा। आगे देखो, ऐसे जलमय के बीच पहला पत्ता जो फर्स्ट आत्मा है उसके जन्म का चारों ओर आवाज प्रसिद्ध होगा कि फर्स्ट प्रिंस प्रत्यक्ष हो चुका है, जन्म ले चुका है नहीं, जन्म का प्रत्यक्ष हो चुका है, और वो इसको पढ़ते हैं जन्म हो चुका है, प्रत्यक्ष हो चुका है, जन्म हो चुका है, तो वे भी अति में होगा। मतलब प्रत्यक्ष होगा कि कृष्ण का जन्म हो चुका है तो वे भी अति में होगा, अर्थात जलमय के तीन हिस्से का नजारा होगा। एक हिस्सा भारत परिस्थान के रूप में प्रकट होगा,
जो दिखाते हैं कि सोने की द्वारिका पानी से निकल आई लेकिन पानी से नहीं, तीन हिस्से पानी में हो गए इसलिए पानी के बीच सोने की द्वारिका दिखाई देगी। इसलिए कहते हैं कि सोने की द्वारिका पानी से निकल आई। सिर्फ उस बात का पूरा वर्णन नहीं कर सके हैं और उसी समय पर फर्स्ट आत्मा के जन्म की जय जयकार होगी, ऐसे नजारे सामने आते हैं तो पुरानी दुनिया के महाविनाश का नगाड़ा और नए फर्स्ट प्रिंस के जन्म का नजारा साथ साथ दिखाई देगा। जैसे नगाड़ा बजाने से पहले नगाड़े को गर्म किया जाता है तब आवाज बुलंद होती है। नगाड़ा जानते हो, देखा है किसने नगाड़ा? बहुत बड़ा ढोल होता है, उसको गर्म किया जाता है। हाँ, उसको गर्म किया जाता है पहले, तब आवाज बुलंद होता है। यह भी योग अग्नि से नगाड़ा बजने के पहले तैयारी चाहिए, तब नगाड़े में आवाज बुलंद होगी। इंतजाम में लगे हुए होना, इंतजार करने वालों को भी इंतजाम में लगाओ, तब जय जयकार हो जाएगी। जब शरीर को चलाना आ जाएगा तब राज्य चलाना आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं देख रहा था कि बाबा ने कैसे कैसे स्किप किया, नहीं बाबा ने कैसे कैसे बात बताते बताते बात को घुमा दिया। वो अलग बात थी, जो कृष्ण के जन्म की बात को अब क्योंकि हाँ मैं वही बता, इसलिए मैं रुक रहा हूँ कि मतलब वो गोल बोल कर दिया ताकि जो है ना ये पकड़ के ना बैठ जाए कि कृष्ण का जन्म हो चुका है। हाँ, अभी से पकड़ के ना बैठ जाए, जैसे भागवत में दिखाते हैं ना, कृष्ण ने मिट्टी खा ली, तीन लोग देख लिए, फिर वो कहता है माँ भूल गई, इसने तीन लोग भी दिखाए हैं। ऐसे ही बाबा भी बात करते, क्योंकि अब ये कोई पकड़ के बैठ जाए, उस टाइम कोई होशियार बच्चा नहीं था, मैं बैठा होता तो मैं पकड़ के ये सारे जुड़ाई जोड़ेगा कैसे, मेरे को इसलिए बिठाया है नहीं बाबा ने, वहा मैं पकड़ के बैठ जाते ये कैसे हो गया, ऐसे एक सेकंड में कैसे मिला दिया आपने। सारे बच्चे भोले भाले बैठे हुए थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आ जाएगा तब राज्य चलाना आ जाएगा, शरीर को चलाना अर्थात राज्य करना, तो राज्य करने के संस्कार भरने है ना, नॉलेजफुल कहा जाता है, तो फुल नॉलेज में तन मन धन और जन सब आ जाता है। अगर एक की भी नॉलेज कम है तो नॉलेजफुल नहीं कहेंगे, समझा? और कोई भी बात की कमी है तो फुल नॉलेज नहीं है, समझा? सदा सफलता मूर्त बनने का आधार भी नॉलेजफुल है, नॉलेज नहीं तो सफलता मूर्त भी नहीं हो सकते। समय के प्रमाण पुरुषार्थ की गति भी तीव्र होनी चाहिए। समय की रफ्तार तेज है और चलने वालों की रफ्तार ढीली है तो समय पर कैसे पहुंचेंगे? एक बल एक भरोसा, ये है मुख्य सब्जेक्ट, ये मेन सब्जेक्ट है, एक बल एक भरोसा। हर समय एक बाप की ही याद में एक रस रहना है, इसी ही पुरुषार्थ में ही सदा सफल हो तो मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। जो अटूट स्नेह में रहते हैं उनको सहयोग भी स्वतः प्राप्त होता है। मुरली है लाठी, ये मुरली क्या है? लाठी। इस लाठी के आधार से कोई कमी भी होगी तो वे भर जाएगी। ये आधार ही अपने घर तक और अपने राज्य तक पहुंचाएगा, लेकिन लक्ष्य से, नियम पूर्वक नहीं, लेकिन लगन से। नियम पूर्वक नहीं कि नियम से चलो मुरली रोज सुनी, लगन से मुरली को सुनो तब मुरली है। तो लगन से मुरली पढ़ना व सुनना अर्थात मुरलीधर की लगन में रहना, मुरलीधर से स्नेह की निशानी ये मुरली है। जितना मुरली से स्नेह है उतना ही समझो मुरलीधर से भी स्नेह है। सच्चे ब्राह्मण की
परख मुरली से होगी, मुरली से लगन अर्थात सच्चा ब्राह्मण, मुरली से लगन कम अर्थात हाफ कास्ट ब्राह्मण। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।